माता दी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं क्योंकि आपका जो वशीकरण का उपाय है वो असर नहीं दिखा रहा है? तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए वशीकरण लेकर आई हूँ उससे आप किसी भी इंसान को सिर्फ कुछ चंद मिनटों में अपना बना सकते हैं। परंतु दोस्तों, इस विधि को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो विधि है ये बहुत ही शक्तिशाली है, तो आपको इस विधि का प्रयोग किसी का बुरा चाहने के लिए नहीं करना है। और अगर आपने इस विधि का प्रयोग किसी पर कर दिया है तो इसे बाद में उतारा नहीं जा सकता, तो आप इस विधि का प्रयोग सोच समझकर ही कीजिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप कपड़े की मदद से भी किसी को अपने वश में कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ उस इंसान के इस्तेमाल किए हुए कपड़े से उसका वशीकरण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ उस इंसान के इस्तेमाल किए हुए कपड़े से उसका वशीकरण कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना कोई समय गवाए मैं आपको बताती हूँ कि आप किसी को कम से कम सामग्री से कैसे वश में कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपको सबसे पहले सामान के बारे में बता देती हूँ। तो आपको चाहिए उस व्यक्ति का इस्तेमाल किया हुआ एक कपड़ा, ये कपड़ा कुछ भी हो सकता है, परंतु आप जो कपड़ा ले वो उस इंसान का इस्तेमाल किया हुआ होना चाहिए। तो दर्शकों, आपको सबसे पहले इस कपड़े पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं, और उसके बाद आपने उस कपड़े को फोल्ड कर देना है और उसे हाथ में रखते हुए एक मंत्र का जाप करना है, और उसके बाद आपने इस कपड़े को 7 दिन तक अपने पास ही रखना है। आप इस कपड़े को अपने घर में कहीं पर भी रख सकते हैं, परंतु एक बात का खास ध्यान रखें कि आपको इस कपड़े को ऐसी जगह पर रखना है जहां इसे कोई देख ना सके। और यकीन मानिए, जैसे ही 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो जिस इंसान का नाम अपने कपड़े पर लिखा था वो आपके वश में हो जाएगा, और वो इंसान चाहेगा कि वो अपना सारा जीवन सिर्फ आपके साथ ही व्यतीत करे। तो दोस्तों, आप हमें कॉल करके अपने और अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका का नाम के अनुसार सिद्ध किया हुआ मंत्र मुझसे ले सकते हैं। तो देर ना करें, जल्द से जल्द हमें कॉल करें और अपने सपनों को पूरा करें। जय माता दी।